स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे आपके पास सेट ए, सेट बी दो सेट्स गिवन है और एक बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसका नाम एफ है, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं ए फोर, बी फोर एंड सी फोर। बाइनरी रिलेशन हमने बनाना नहीं, हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे शो क्या करना है कि ये जो एफ है, यानी कि जो बाइनरी रिलेशन है, कि ये एक फंक्शन है, ए इंटू बी एक फंक्शन है ये। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम चेक कर लें इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें। डोमेन ऑफ एफ लेते हैं, आपको पता है कि डोमेन क्या है, फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट्स यानी कि ए, बी और सी। हमने लिखा डोमेन के अंदर ए, बी और सी। इसी तरह हमने रेंज भी ले लिया एफ का, यानी कि बाइनरी रिलेशन का हमने रेंज लिया। रेंज हमारे पास है, एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे होंगे, सेकंड प्लेस वाले एलिमेंट्स हैं वो हम वन टाइम लिखते हैं, तो तीनों में फोर ही है तो हम वन टाइम ही फोर लिखेंगे, यानी कि रेंज है यहाँ पे फोर। इस बाइनरी रिलेशन का रेंज है फोर, ठीक है। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए, ए इंटू बी फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है। हम ये देखते हैं कि इसका डोमेन कैसा है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बी सी। चेक करें कि ये एक इक्वल है, सेट एक इक्वल है, बिल्कुल इक्वल टू सेट ए। ये तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं, तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो गई है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि एवरी फर्स्ट प्लेस एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। तो हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड। इसमें कोई भी फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ए है, सेकंड ऑर्डर में फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट बी है, थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट सी है। इनके तीनों ऑर्डर पेयर्स के अंदर फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। एवरी फर्स्ट प्लेस एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड। और थर्ड में हम देखेंगे रेंज ऑफ एफ। ये जो रेंज ऑफ एफ है ये, और इसको बी को चेक करें। डोमेन हम ए से चेक करते हैं, रेंज हम बी से चेक करते हैं। ये जो हमें सेट ए और बी गिवन है, यहाँ से रेंज हमने देखा कि ये रेंज हमारे पास 4 है, जबकि सेट बी के अंदर 2, 4, 6 तीन एलिमेंट्स हैं। इनके ये जो रेंज ऑफ एफ है ये इस सेट का सब सेट है, तो हम लिखेंगे कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू बी। बी के ये इक्वल नहीं है, i.e. जो रेंज ऑफ f है वो सबसेट है b का, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी प्रूफ हो गई हैं। देन वी कैन से देन f इज़ a इंटू बी फंक्शन। a इंटू बी फंक्शन हम तब कहेंगे जब ये तीनों कंडीशंस प्रूव होंगी। डोमेन ऑफ f इक्वल टू a होना चाहिए, और एवरी फर्स्ट प्लेस एलिमेंट जो है शुड नॉट रिपीट इट, और रेंज ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू बी, और यहाँ रेंज ऑफ एफ इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लिख देते हैं एवरी फर्स्ट प्लेस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एफ, ठीक है, इज़ नॉट रिपीटेड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करने हैं, आपकी 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।